अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे CSS को हम बॉर्डर जो से हम किस तरह हम दे सकते हैं और उसके जो कितने टाइप से हम बॉर्डर्स को देंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं बॉर्डर CSS। इसमें हमारे पास फोर वेज है बॉर्डर देने के लिए। बॉर्डर टॉप, जो हम टॉप जो अपने होते हैं हमारे पास कंटेंट होता है उसका टॉप साइड बॉर्डर देंगे। हमारे पास एक लेफ्ट साइड पर बॉर्डर होता है, राइट और बॉटम पे। और उसके बाद हम देखेंगे हम कितने वे से हम बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं और कितने पार्ट्स में कंसिस्ट करता है बॉर्डर डिफाइन करने का। इसमें तीन पार्ट्स में बॉर्डर कंसिस्ट करता है। पहला हमारे पास है विड्थ, जिसमें हम अपने बॉर्डर की विड्थ डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे बॉर्डर का स्टाइल और उसके बाद हमारे बॉर्डर का कलर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम अपने बॉर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं। न्यू फाइल ओपन किए इसको सेव करते हैं हमें बॉर्डर डॉट HTML नेम से। इसको मैंने सेव कर लिया HTML बॉर्डर ऑफ CSS। यहाँ पर मैं एक div क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं क्लास दे देता हूँ मेन। और ये मेरी स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट। इसके अंदर मैं इसको फेच करता हूँ जो मैंने div क्रिएट की है CSS के अंदर। इसको फेच करूँगा। अब यहाँ पर मैं इसकी हाइट डिफाइन कर देता हूँ 200 पिक्सल और इसके मेरे पास विड्थ है 200 पिक्सल सेम। मैं इसको इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ग्रे। कंट्रोल एस इसको सेव किया और ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र में। ये मेरे पास है एक डिव क्रिएट हो गया, बॉक्स क्रिएट हो गया। अब मैं इसको देता हूँ मार्जिन। मार्जिन ऑटो दे दिया तो इस सेंटर में आ जाए डिस्प्ले हो जाएगा। अब मेरी बारी है इसमें एंड अप्लाई करना है बॉर्डर। तो मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगा टॉप साइड के बॉर्डर के यहाँ पर। इसको ज़रा मैं मॉडिफाई करूँगा। जैसे मैंने बताया था बॉर्डर को CSS के अंदर बॉर्डर देने के लिए हमारे पास तीन पार्ट हैं, इसकी विड्थ, इसका स्टाइल और इसका कलर। अब हम इन तीनों को इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अब मैं इसकी विड्थ डिफाइन करूँगा 5 पिक्सल। अब मैं इसका स्टाइल स्टाइल डॉटेड डैश्ड, ये हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स है स्टाइल की, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे स्टाइल्स के, जो हमारे बॉर्डर इमेज के अंदर हमने यूज़ किए थे स्टाइल्स, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब मैंने इसका स्टाइल भी दे दिया डॉटेड। और मेरे पास इसका लास्ट एट्रीब्यूट है कलर, वो इसको मैंने रेड दे दिया। कंट्रोल एस ये देख, ये मेरे पास डॉटेड आ रहा है 5 पिक्सल इसकी विड्थ, इसकी 5 पिक्सल विड्थ है और विड्थ इसकी कम है इसलिए ऐसा है। मैं इसकी विड्थ यहाँ से इंक्रीज करके 10 पिक्सल ले लीजिए डॉटेड डॉट के फॉर्म में। अगर मैं इसको मैं यहाँ पे इसकी और है वो है मेरे पास डैश्ड। कंट्रोल एस ले लीजिए डैश्ड में आ गई। इसका मैं कलर ख़त्म कर देता हूँ, इसका कोई इशू नहीं है बैकग्राउंड कलर देने का। वैसे ही वो मैं क्लियर करने के लिए मैं यूज़ किया था। ये मेरा बॉर्डर टॉप आ गया। कंट्रोल सी इसको मैंने कंट्रोल वी फिर से कंट्रोल वी इसको मैं करता हूँ। ये मेरा टॉप, ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा बॉटम बॉर्डर। इसको मैंने दी हुई है 10, इसको मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल, इसको 10, इसकी 15 और इसकी 20,
red, yellow, green and black. Control S. ये देखो 5, 10, 5, 10, 15 और 20. इस तरह से हम अपने बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी वेट, उसका स्टाइल और उसका कलर. स्टाइल और कलर अब मैं इन सबको सेम दे देता हूँ. 5, 5 कंट्रोल एस ले लीजिए. 5 इसके मेरे पास वेट है, ये मेरे पास उसका स्टाइल आ रहा है, ये मैंने उसका डिफाइन कलर किया हुआ है. इस तरह हम अपने बॉर्डर की तीनों चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह हम इन तीनों चीज़ों को सेपरेटली डिफाइन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे, यूज़ करेंगे अपने बॉर्डर के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.